सुप्रभात। आज आप प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कहानी जो पाठ में है, इसके संदर्भ को आप पकड़ेंगे, जानेंगे और उस पर उसका विश्लेषण समझने का प्रयास करेंगे। कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा। यह कहानी स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व की लिखी कहानी है और प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को जीवंत किया है एक प्रतीक के माध्यम से। और उस वह प्रतीक है दो बैल। वह प्रतीक दो बैल है जो ये दो बैल प्रतीक है स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष का। ये दो बैल इस कहानी में प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं प्रेमचंद। और ये दो बैल ही मुख्य पात्र भी हैं, यही हैं। और इन दो बैलों के माध्यम से हमारे देश की जनता की बात प्रेमचंद करते हैं कि स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती है, स्वतंत्रता छीनी जाने वाली चीज़ है और उसको छीनने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, त्याग और बलिदान देना पड़ता है, तब जाकर हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता कभी भी मांगी नहीं जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस ने भी इस कथन को कहा था कि स्वतंत्रता मांगी नहीं जाने वाली चीज़ है, छीनी जाती है। प्रेमचंद ने इसी भाव को, इसी भाव भूमि पर दो बैलों की कथा की रचना करते हैं और कथा को, कहानी को एक यथार्थ जमीन पर खड़ा करने की एक बहुत अच्छी चेष्टा है उनका, एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलतम चेष्टा है उनकी। और यह कहानी उन दिनों की एक मानक कहानियों में से एक मानी जाती थी और प्रेमचंद अपने देश प्रेम, देशभक्ति क्या चीज़ है वो दो बैलों के माध्यम से बतलाते हैं और उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं कहानियों में घटनाक्रम के द्वारा। कई घटनाएं चौंकाती भी हैं और कई घटनाएं हमें संदेश देती हैं, मैसेज देती हैं कि स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाती है। मैं आपको कहानी की शुरुआत में मैं परिचयात्मक रूप से समय के अनुसार आपको मैं बहुत संक्षिप्त में इसके सार का विश्लेषण मैं करूँगा। आप देखें कि शुरू में प्रेमचंद जानवरों की विशेषता बतला देते हैं। उसमें से अगर बैल को आप माने तो बैल तो मुख्य पात्र है ही, लेकिन बैल क्या है? बैल एक ऐसा प्रतीक शब्द है कि अगर कोई जोर जबरदस्ती का कार्य करता है, चाहे वो कोई बच्चा कर रहा हो या कोई हम उम्र के व्यक्ति कर रहे हों, तो हम झट से उसको व्यंग करके कहते हैं कि तुम बैल हो। ये बैल किस अर्थ में जाता है कि बिना सोची समझी स्थितियों में आकर के काम करके निकल जाना। ये एक स्थितियां बनती है तो इसकी तुलना, बैलों की तुलना प्रेमचंद एक गधा से करते हैं कि प्राणियों में गधा जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। और बैलों को भी हम बुद्धिहीनता के ही अर्थ में लेते हैं, जैसा कि अभी मैंने उदाहरण में कहा। बुद्धिहीन यानी बुद्धि नहीं है बैलों को। और ठीक इससे मिलता जुलता एक प्राणी है गधा, लेकिन कहते हैं कि गधा को लोग बेवकूफ कहते हैं, गधा को लोग बुद्धिहीन कहते हैं, लेकिन गधा में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि गधा भले ही बेवकूफ हो, बहुत सीधा हो, आप उस पर ढेर सारा बोझ लाद दीजिए
और चलने के लिए कह दीजिए, चलने लगेगा। जहाँ उसको ले जाना है वह आपका प्रतिवाद नहीं करना जानता है, विरोध नहीं करता है गधा। ये दर्शाना है लेखक को कि गधा की विशेषता है कि वह निरापद, बिल्कुल जिसको कहते हैं सहिष्णु होता है, सीधा होता है, बेवकूफ आप कहते हैं। दूसरी बात प्रेमचंद बतलाते हैं कि गाय भी बहुत सीधी होती है। गाय जो है सींग मारना नहीं जानती है, लेकिन ब्याही हुई गाय के संबंध में कहते हैं, यानी कि जो गाय बछड़ा दे चुकी है, जो गाय दूध देने लगी है, उसको ब्याही हुई गाय कहते हैं। तो कहते हैं ऐसी गाय कभी कभी सींग चलाती है, वो प्रतिवाद करती है, वो विरोध करती है। जब हम उसके दूध निकालते हैं तो उसको लगता है कि हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, वैसी स्थिति में वो सींग चला करके उसका विरोध प्रतिवाद करना जानती है। गधा तो वो भी नहीं जानता है, गाय की तरह भी वो प्रतिवाद नहीं जानता है, बस लाद दीजिए चलता रहेगा, बोझा लाद दीजिए चलता रहेगा, उसको जिधर हांक दीजिए चलता रहेगा, वो आपका किसी भी रूप में प्रतिवाद नहीं करेगा, इसलिए वो ज़्यादा सहिष्णु है गाय की तुलना में। आगे कहते हैं एक प्राणी और आता है उनके उदाहरण में, और वो है कुत्ता। कहते हैं कुत्ता बहुत गरीब जानवर माना जाता है, और कभी कभी उसे क्रोध भी आता है और वो प्रतिवाद करता है, विरोध जताने की क्रिया उसमें है, प्रवृत्ति उसमें है, विरोध करता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि गाय से तुलना गधे को की गई, गधे में निरापद सहिष्णुता है, बिल्कुल सहिष्णु प्राणी है, सहनशीलता उसमें ज़्यादा है, गाय में प्रतिवाद थोड़ी अधिक है, करने की क्षमता है परिस्थितियाँ के अनुसार। कुत्ता तो बिल्कुल निहायत गरीब जानवर माना जाता है, लेकिन उसे भी क्रोध आता है और वह क्रोध प्रतिवाद का रूप ले लेता है, असंतोष उसके चेहरे पर कभी कभी दिखाई पड़ता है कुत्ते के चेहरे पर, और वह विरोध करना जानता है। लेकिन गधे के बारे में कहते हैं कि एक बैसाख के महीने में गधा कुलेल करता है, खेलता है, आनंद मग्न हो जाता है और खुश होता है, उसके चेहरे पर एक विषाद की छाया लेकिन बराबर बनी ही रहती है, एक विषाद पीड़ा, एक दुख, एक आंतरिक जो दुख होता है वह बना रहता है। तो यह जो गुण है, इस गुण को प्रेमचंद ने गधे के संबंध में कहा है कि ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषि और मुनि का क्या होते हैं? ऋषि मुनि सहिष्णु होते हैं, सहनशील होते हैं, ऋषि मुनि में धैर्य होता है, ऋषि मुनि में कल्याण की भावना होती है। वो कल्याण की भावना गधे में भी है कि आप बोझा डाल दीजिए, वो आपका कल्याण कर रहा, आप उसका कल्याण नहीं कर रहे हैं, सहिष्णु है। और वह एक ऐसी स्थिति में है जिसको कि हम कह सकते हैं कि उसकी सहिष्णुता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, जैसे ऋषि मुनियों में होती है कि वह दुनिया के लिए जीते हैं, संसार के लिए जीते हैं, और गधा भी संसार के लिए जीता है। तो कहने का अर्थ है प्रेमचंद बड़े ही बारीकी ढंग से उस गधे को विशेषण के तौर पर, यानी विशेषता के तौर पर, उसकी विशेषता के तौर पर उसके जो गुण हैं, उसके आंतरिक गुण जो हैं, उसकी क्षमता को उजागर करने का प्रयास करते हैं। और कहते हैं कि संसार जो है एक विचित्र चीज़ है सीधापन के मामले में। संसार में आपको ये सीधेपन में आप विचित्रता पाएंगे, अद्भुत विचित्रता है। और कहते हैं कि इसी गधे की तरह हमारे भारतवासियों की दशा है। देखिए प्रेमचंद जो है कथानक को कैसे मोड़ देते हैं, घुमाते कैसे हैं, वस्तुओं को, अपने आसपास के चीज़ों को वो कैसे उठाते हैं, कैसे पकड़ते हैं, और वो कहते हैं कि भारतवासियों का वही स्थिति है। और उदाहरण देते हैं, आप अफ्रीका को देख लीजिए,
अफ्रीका में बहुत बहुत ज़्यादा भारतवासी हैं। वो 1947 के पूर्व अफ्रीका जो है वहाँ अंग्रेज का भी वहाँ भी अंग्रेजों का शासन था और भारत से ढेर सारे मजदूरों को, भारतीय मजदूरों को अफ्रीका तक पहुँचाया गया, जिसे अफ्रीका में गिरमिटिया के नाम से जाना जाता है। गिरमिटिया एक शब्द है, भारतीय मजदूर को वहाँ गिरमिटिया कहा जाता था। और इस तरह से वो बेचारे दिन रात गधे की तरह संघर्ष करते हैं। जब थकान होती है तो कभी उससे पैसे बचा करके थोड़ा बहुत शराब पी लेते हैं, कुछ समय पर पैसे काम आए इसके लिए वो बचत बचा कर रखते हैं, क्योंकि वो अपने देश से बाहर हैं, और जी तोड़ परिश्रम करते हैं, किसी से वो न लड़ते हैं न झगड़ते हैं, बस उनका एक ही प्रवृत्ति है, गधे की तरह गम खा करके रह जाना, जी लेना, समय गुजार देना। प्रेमचंद आप स्वतंत्रता संग्राम के बिंदुओं को कैसे खींचते हैं अपने कथा के माध्यम से। और कहा जाता है कि जीवन के ये तो आदर्श है, गम खाना, सहनशील बनकर रहना, ये जीवन का आदर्श है, बड़ा आदर्श है। लेकिन प्रेमचंद यहाँ विरोध में आते हैं तब जब वो कहते हैं कि नहीं, हमारी परिस्थितियाँ जब विपरीत हो, जब प्रतिकूल हो, तब हमें ऐसे काम चलने वाला नहीं है जैसे अफ्रीका के भारतीय मजदूर कर रहे हैं। उन्हें प्रतिवाद करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, और उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तभी उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। कहने का अर्थ उनका है, प्रेमचंद कहते हैं कि हम सभ्य कहला तो रहे हैं, अफ्रीका में भारतीयों को सभ्य कह रहा है क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, किसी से प्रतिवाद और विवाद खड़ा नहीं करते हैं, किसी तरह का झमेला खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन वो इसी गुणों के कारण सभ्य कहला रहे हैं, उसे अच्छा माना जा रहा है। लेकिन भारतीय मजदूर क्या अपने लिए अच्छे हैं? नहीं है, यह सवाल उठाते हैं। और कहते हैं जापान का अब उदाहरण देते हैं कि जापान का एक विजय पूरे दुनिया में उसको एक विजेता घोषित कर देता है विश्व युद्ध में। और ये कैसे होता है? तो कहते हैं ये प्रतिवाद करने के कारण होता है। प्रतिवाद और विरोध भी हमें जरूरी है, जब हमारी परिस्थितियां विपरीत हैं, अनुकूल हैं, हमें जीने का अवसर नहीं मिल रहा है, हमें बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, हमें आज़ादी वह नहीं है जो देश की ओर से हमें मिलनी चाहिए, ऐसी स्थितियों में प्रेमचंद कहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, वो हीरा और मोती पर आते हैं। हीरा और मोती बैलों का नाम है, दो बैल हैं, एक हीरा है और दूसरा मोती है। हीरा जो है थोड़ा शांत स्वभाव का है, मोती थोड़ा उदंड है, और जब वह और उसका मालिक है, एक है झूरी, झूरी जो है उसका मालिक है, और झूरी बड़ा ख्याल रखता है बैलों का, बहुत प्यार करता है बैलों को। क्यों? क्योंकि बैल उसकी पूंजी है, बैल ही है जो उसके खेतों को जोतता है, उसके फसलों को उगाने में ये दो बैल ही मदद करता है, जीवन का आधार है झूरी के लिए ये बैल, इसलिए झूरी ईमानदार है अपने बैलों के प्रति। अब यहाँ आपको ये प्रतीक पकड़ना पड़ेगा कि बैल झूरी को जीव को उपार्जन करने का माध्यम बन करके जीवन देने की कोशिश करता है, और उसके बदले में झूरी उसको अच्छा चारा, अच्छा भोजन, अच्छे रख रखाव, अच्छी देखभाल आदि करता है, वो शोषण नहीं करता है। झूरी में बैलों का शोषण करने की प्रवृत्ति नहीं है, और अपनी पत्नी से चोरी छिपे, पत्नी मना करती है कि बैलों को इतना लाड़ प्यार मत करो, बैलों से काम लो, बैलों से ज़्यादा काम लो, कम खिलाओ लेकिन काम उससे ज़्यादा लो, उसकी पत्नी का सिद्धांत है। झूरी का सिद्धांत वो नहीं है, झूरी साफ शब्दों में कह देता है जो उसका एक सेवक है, जो उसके घर में बैलों को खिलाता पिलाता है, वह अपने सेवक को हिदायत देता है, और वो कहता है कि मालकिन की नज़र बचाकर बैलों को चारा जरूर डाल दिया करना, उसे भूखे मत छोड़ना, यह झूरी का दिशा निर्देश होता है। क्यों? क्योंकि झूरी समझता है
कि शोषण से काम नहीं चलेगा। और ठीक इसी जगह पर हमारे किसान की परंपरा भी, हमारी सामाजिकता को भी प्रेमचंद यहाँ पर क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। झूरी की पत्नी का भाई का नाम है गया, यानी कि झूरी का साला है, और वह भी कृषक है, वह भी एक किसान है। लेकिन गया के जो बैल हैं हीरा और मोती, ये दो बैल जो हैं बड़े मजबूत हैं, बड़े तंदुरुस्त हैं, एक एक इशारे को, झूरी के एक एक इशारे को बैल समझता है और बैल झूरी के मन मुताबिक काम करके देता है। गया एक दिन अपनी बहन के घर आता है और उसे उसके बैल बड़े पसंद होते हैं, और वह अपनी बहन से कहता है कि बहन तुम ये दोनों बैल कुछ दिन के लिए मेरे घर भेज दो, जब खेती हो जाएगी, हल जोतने का काम समाप्त होगा, तो मैं बैल आपको वापस कर दूंगा। और भाई के प्रति प्रेम उमड़ता है झूरी की पत्नी का, और झूरी पर दबाव बनाती है उनकी पत्नी, और वो कहती है कि मेरे भाई को तो आपके बैलों की ज़रूरत है, अभी आपका बैल बैठ करके खा रहा है, आप इसे भोजन फ्री में करा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप मायके मेरा भेज दीजिए, मेरे भाई के साथ बैल जो है चला जाएगा और वहाँ खेती करने के बाद फिर बैलों को वो पहुँचा देगा। और यही होता भी है, होता यही है। प्रेमचंद बड़े ही बारीकी से सामाजिक व्यवहारिकता को भी लेते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्तियाँ कैसे स्वार्थ में अंधा होकर के कैसे अपनी ज़मीन को छोड़ देता है, और जब ज़मीन छूटता है तो कैसे वो संघर्ष में उसमें सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो वो जो गया ले जाता है, खेतों को जोतता है, जुतवाता है बैलों से, हीरा और मोती से वह बहुत बेहतरीन तरीके से उसके खेत को जोत तो देता है, लेकिन एक दिन दो दिन हीरा और मोती बैल जो है वह गया के स्वभाव को परखने में बिता देता है और काम मन से करता है। वह क्या देखता है कि बैल जो है रात में काम करके शाम में जब रात को बैठता है खूंटे से बंद करके नाद, तो देखता है कि उसको रूखा सूखा पुआल और डाल दिया जाता है। हीरा पहले नाद में मुंह डालता है, फिर मोती भी मुंह में डालता है, जबकि दोनों हीरा और मोती के यहाँ चोकर चुन्नी जो भी उपयुक्त भोजन होता है चारे के साथ, जो उसके भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बड़े मनोयोग से प्रेम से झूरी उस बैलों को भोजन बना करके उसको खिलाता है, और हीरा और मोती एक साथ उसमें मुंह डालते हैं, एक साथ खाने के बाद मुंह हटाते हैं नाद से। लेकिन गया के पास रूखा सूखा सिर पुआल डाल देता है और हीरा और मोती सूंघ करके छोड़ देता है। प्रेमचंद यहाँ यह दर्शाते हैं कि जिसको अच्छे भोजन खाने की आदत हो जाती है, वो हीरा और मोती जो है झूरी के जो दो बैल हैं, ये बैल एक संदेश दे रहा है सामाजिकता का कि अच्छे भोजन, अच्छे काम से अच्छा भोजन जब वो प्राप्त करने की आदत डाल लेता है, तो गया के घर में अच्छे काम के बदले में रूखा सूखा भोजन उसको बड़ा नागवार गुजरता है। लगता है कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो उसमें मोती जो है बड़ा ही शालीन स्वभाव का है, थोड़ा गंभीर है, सोचता है कि अरे रुको मोती, रुको देख तो लो कि स्थिति क्या होती है, हो सकता है कोई मजबूरी हो। फिर दो दिन एक दिन देखता है, लेकिन नहीं मानता है। अब खूंटे में रात में बंधा हुआ मोती कहता है, क्योंकि उसका स्वभाव विरोध करने वाला है, मोती कहता है कि अब तो यहाँ से भागने का को भागना ही है, ऊपर से हम हल जोतते हैं और गया दो डंटे दोनों हाथ के डंटे से हमें पीटता भी है, और भूखे हैं, कई दिनों से भूखे रहकर हल इसका खेत जोत रहे हैं। ऐसी स्थितियों में वह प्रतिवाद खेत में ही करता है, और खेत में हल से जुता हुआ रह करके हीरा और मोती उसके हल से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, और ऐसा वह रगेदता है, रगेदने का मतलब होता है हमला करता है, और दौड़ा करके हमला करता है गया को, और वहाँ से हल से वो मुक्त होकर के भाग जाता है, और इस प्रकार से जो बैल हैं
आज़ाद वहाँ से होते हैं और बेहिसाब वह भागते हैं, रास्ता भूल जाते हैं और एक कई रात भर वो चलते हैं। सुबह होता है तो भूख लगती है, भूख कई दिन से भूखा था और एक खेत में, एक हरियाली से भरी हुई खेत में वह घुस जाता है, चारा खा लेता है। खेत का मालिक उसे पकड़ता है और एक कांजी हौज है जो बैलों का या जानवरों का एक प्रकार से जेल होता है, कांजी हौज। उसको कांजी हौज में बंद कर दिया जाता है और कांजी हौज में बंद होने के बाद जब कई दिनों, उसके नियम है, कांजी हौज के नियम है कि अगर कई दिनों के बाद एक खास समय सीमा तक अगर बैल का मालिक नहीं पहुंचेगा और जुर्माना देकर उस बैल को छुड़ा कर नहीं ले जाएगा तो कांजी हौज का जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, उसको नीलामी पर बेचने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कांजी हौज नगर पालिका से, नगर निगम से या ग्राम पंचायत से उसे एक लाइसेंस मिलता है तो वो नीलामी पर बेच देता है और नीलामी के द्वारा एक कसाई के हाथों में बैल पड़ जाता है। अब कसाई के चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी है और वह समझ जाता है कि अब तो हम बहुत ही गलत आदमी के हाथ में पड़ गए। इससे तो अच्छा था कि गया के घर में थे, सुरक्षित थे, भूखा ही थे लेकिन सुरक्षित थे। और वह जो है ऐसा दोनों में बातचीत करता है, हीरा और मोती आपस में मिलते हैं और बात करते हैं कि तब क्या किया जाए। तो कहता है अरे बुढ़ा है कसाई, क्या है बुढ़ा है, इसे एक सिंह मारेंगे तो ये कहाँ फेंका जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं है और फिर हम लोग इसके हाथ से छूट जाएंगे, जो रस्सी हमारे गले में बांध कर लिए जा रहा है इसे हम आज़ादी पा जाएंगे। और इस प्रकार से वह कुछ दूर चलने के बाद, कसाई के हाथों कुछ दूर चलने के बाद वह एक ऐसा झटका है, मोती ऐसा झटका मारता है कि कसाई के हाथों से रस्सी छूट जाती है और फिर वह स्वतंत्र हो जाता है। वहाँ भी प्रतिवाद करके वह आज़ादी पाता है और वहाँ से फिर भागता है, एकदम बेतहाशा भागते रहता है। बीच में फिर एक भूखा है, फिर एक खेत मिलता है बहुत दूर जाने के बाद, दूसरे गांव में पहुंचने पर तो वह वहाँ एक बड़ा सा सांड मिल जाता है और उस सांड को से उसको लड़ता है। सांड उसको पहले हमला करता है, सांड यह सोचकर हमला करता है कि ये दूसरे क्षेत्र का जानवर है जो मेरा चारा खा रहा है, मेरे खेतों का चारा खा रहा है, इसे हम खाने नहीं देंगे। तो हीरा और मोती फिर आपस में मौन संवाद करता है, एक दूसरे को नज़रों से देखता है, नज़रें मिलती है और फिर इस तरह से वहाँ मुठभेड़ होता है और हीरा कहता है कि तुम आगे से लड़ना, मैं उसे पीछे से मारूंगा। और इस तरह से दोनों ने उस सांड से प्रतिवाद करके, युद्ध करके सांड को पस्त कर दिया, सांड भी हार गया और हीरा मोती फिर वहाँ से भागता है और भागते हुए वह रास्ता भी भूल जाता है और अंत में झूरी के गांव पहुंचता है। उस गांव में अब झूरी के बथान में वह पहुंच जाता है जिसको हम गाय का सेट कहते हैं। और सेट में पहुंचने के बाद सुबह उठते ही झूरी देखता है मेरा बैल यहाँ है। अब बड़े ही लाड प्यार से उसको ये करता है और फिर एक घटना है जो कांजी हौज में घटती है। कांजी हौज में जो घटना घटती है वहीं पर स्वतंत्रता संग्राम का संदेश जाता है। आप किताब में पढ़ेंगे तो और उस पर डिस्कशन करेंगे तो आपको क्लास में सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो कांजी हौज में बकरियों को, गधों को, गायों को, बैलों को कैसे सींग मार करके, दीवार तोड़ करके सबको आज़ाद कराता है और फिर अपने सबको हटा करके आज़ादी पाता है। तो कुल मिला करके प्रेमचंद की यह कहानी स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बैलों के माध्यम से देते हैं और यह कहते हैं, यह एक संदेश देते हैं कि हमें स्वतंत्रता पाने के लिए देश की जंजीर को, देश की बेड़ियों को, गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हमें प्रतिवाद करना होगा और लड़ना पड़ेगा। और इसी लड़ाई का प्रतीक है यह कहानी, दो बैलों की कथा। और प्रेमचंद ने इस कहानी का जो अंत किया है बड़े ही मार्मिकता के साथ, बड़े ही संदेश परक के साथ और बड़े ही देशभक्ति के साथ उन्होंने इस गाथा को रखा है। और कहा जाता है कि प्रेमचंद की दो बैलों की कथा स्वतंत्रता संग्राम में हमारे क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया था, प्रेरणा का बिंदु बन गया था। फिर आप इस पर और भी डिस्कशन क्लास में करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आप पूछेंगे तो और भी कथानक का जो अंश है, जो भाग है, वो और ज़्यादा खुलेगा, स्पष्ट होगा और आपको कंसेप्ट में पूरा का पूरा आ जाएगा।
अब मैं समय के अनुसार यहीं विराम देता हूँ, और धन्यवाद, आप लोग फिर इसको क्लास में समझने का कोशिश करेंगे और जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब मिलेगा।